जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो जाओ 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 जाओ। ये चला गया। अब उसको लगेगा कि वही हमारा घर है। जैसा कि हमने बोले थे कि अपना हमने मिनी जू चेंज कर दिए हैं, तो ये वाला हमारा मिनी जू रहेगा। तो ये सब अभी लकड़ी हटा देना। इसमें देख रहे हैं सभी तरफ मैंने लाइट लगा दिया है, जिससे कि पूरा हमारा जो मिनी जू है उजाला में रहे। हर तरफ लाइट जल रहा है और मिनी जू हमारा किस टाइप से लग रहा है, अभी बिल्कुल साफ सुथरा दिखने लगा है लाइट की वजह से। अभी ये सब जितना सामान है ना, सब मुझे बाहर निकाल लेना है। फिर हम लोग सबसे पहले ना जो हमारे कबूतर हैं उनके लिए घर बनाना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी अंडे देने वाले हैं और बहुत दिनों से ना ऐसे ही पिंजरा में रह रहे हैं ये सब। तो इन लोग के लिए ना सबसे पहले मुझे घर बनाना है, तो मैं इन लोग को पहले इधर में बनाऊंगा। तो ये सब सामान सब हटा देना है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो सभी चूजे देख रहे हैं चिल्लाने लगे हैं, बिल्कुल चे 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 करने लगे। और आज अंडा देखते हैं अंडा दी है कि नहीं। तो आज काली वाली मुर्गी अंडा नहीं दी है, वैसे लाल वाली मुर्गी ना बार बार उस पर जाके बैठ रही थी, जिस पे पहले अंडा दे रही थी ना उस पे जाके बैठ रही थी। अभी मैं देखता हूँ इस पे है कि नहीं अंडा, इस पे आके ना बैठ रही थी। तो इस पे तो अभी अंडा नहीं है, नीचे भी नहीं गिरा है, हो सकेगा शाम तक वो अंडा दे देगी। तो पहले मैं ये सब जितना है ये हटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ कबूतर का घर। तो अभी हमने ना सब इधर से हटा दिए और हम लोग का जो कबूतर का दरबा है घर है वो लेकर आ गए हैं। इस दीवार में फिट करेंगे क्या पापा? कौन सी दीवार में होगा? यहाँ पे सामने रहेगा ना, तो नीचे तो रोड देना होगा, तभी तो हाइट पे होगा। तो अभी हम लोग ना इसमें रोड देंगे, तब ये जाके थोड़ा हाइट पे हो जाएगा, तब अच्छा सा लगेगा। तो मैं पहले रॉड लेके आता हूँ और थोड़ा हाइट नापना होगा, कितना ऊपर पूरा सटा देना है क्या? ओ थोड़ा गैप रहेगा, तो पहले हम लोग इसको ठोक लेते हैं, फिर अपने कबूतरों को ना इसमें जो है वो निकाल के इसमें फिट करेंगे। अभी देख रहे हैं थोड़ा सा हमने हल्का सफाई किए हैं और अभी सब तरफ ऐसा ही दिख रहा है। तो अभी सभी परिंदे भी आ गए। जब भी सफ़ेद वाला मुर्गा खुला रहता है ना, हमारा कड़कनाथ मुर्गा चाइनी मुर्गी सभी को मारता रहता है, सब इधर से उधर भागती रहती हैं। तो उसको कोई भी अभी तक ना ग्राहक, मैंने कितने जनों से बोला कोई अभी ग्राहक मिल नहीं रहा, मिल जाएगा ना तो हम उसको बेच देंगे, बेच के हटा देंगे, तब हम लोग का जितने भी परिंदे ना सब एक साथ रहने लगेंगे। तो अभी मैं लेकर आता हूँ रॉड और इसको पहले उसको घर बना देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी कबूतरी अंडे देने वाली है। हमारा जो कबूतर है ना देख रहे खर लेके जा रहा है, बहुत जल्दी हमारी कबूतरी अंडे देने वाली है और उसी का घर बनाने के लिए ना हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। और देख रहे हैं ये मैंने ना बिल बनाया यहाँ पे, हम लोग पहले बोल रहे थे ना इसमें रॉड डाल देंगे, तो ये दरबा ना बहुत ही ज्यादा भारी है, तो इस वजह से रॉड ना वजन नहीं ले पाएगा। तो हम लोग इसमें बांस लगा के इसको हाइट करके तब बैठाएंगे। तो अभी हमारा रेबिट आके वो सोच रहा है बिल है, इसमें जाके झांक के देख रहा है, अरे आपका घर नहीं है, घर बनाएंगे, दो दिन बर्दाश्त करो, दो दिन के अंदर में ना सबका घर रेडी हो जाएगा। क्योंकि आज फर्स्ट बार हमारा जो कबूतर बहुत दिनों से अंडे देने वाला है नहीं दे पा रहे घर की वजह से, तो फर्स्ट उनका पहले घर बना देते हैं। क्या कर रहे हो? उसमें से ईट निकला है तो उसको लग रहा है कुछ है, उसको लेके ऐसे सूंघ के देख रहा है। देखिए इसका बदमाशी देख रहे हैं, तार पकड़ करके ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ना वो झूला झूलता है ऐसे ऐसे करके लटक के, अरे नहीं अंदर जाओगे फंस जाओगे। अभी देखिए हमारी ये कड़कनाथ मुर्गी है, आज जाके ना अंडा दी, वो भी अंडा इस पे यहाँ पे ड्रम रखा हुआ था, ऊपर से ना नीचे गिर गया, फूट गया अंडा और बहुत ही तेज मुर्गी चिल्लाने लगी, तो मैं आया वो तो अंडा फिर नष्ट ही हो गया, ले जाके हम लोग बाहर फेंक दिए। तो अभी ये गड्ढा हमने कर दिए हैं, पिताजी गए हैं कील लेके आएंगे, तब उसको हम लोग रेडी करेंगे अभी। तो अभी पिताजी देख रहे बांस उसको हला के और इसको फिर हम लोग चढ़ाएंगे ऊपर की तरफ में, और ठोकना होगा, ठोक दे।
जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं ना तो हमारा रेबिट दौड़ते हुए चला आ रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं, उसके लिए थोड़ा घास ले लेते हैं। उसको ना सुबह से मिला नहीं है घास, इसीलिए वो दौड़ दौड़ के आ रहा है। तो इतने से घास से वो खा लेगा। तो कहाँ हो रे वेट लो, चलो भागो भागो भागो, हटो हटो हटो। सभी चूजे दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, भागो 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 भागो। सुबह से हमारा रेबिट नहीं घास मिला है, अभी देखिए मिला है तो कैसे। ये जब भी आएंगे ना देखिए छीट दे रहे, सब छीट देगा। चलो भागो 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 भागो, भागो। चलो सब जाओ 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 जाओ, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ जाओ। ए चलो भागो भागो, इधर से भागो। हम लोग ने ऊपर चढ़ा दिए हैं और अभी हमारे जो कबूतर है उसको ले जाके रखते हैं। कैसा लगता है, पहले हम अपनी कबूतरी को निकालते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको देख लेते हैं। इसका देखिए तो पंख नहीं ना बंधा है, पंख बंधा है तो खोल दीजिए। उड़ जाएगा तो नहीं उड़ेगा, खोलिए उसको। तो अभी हम लोग इसको रख देते हैं। कैसा लग रहा है इसका, अभी तुम्हारा वही घर है तो अभी हम इसको भी लेके चलते हैं अपने उसका जो नर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो जाओ 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 जाओ। ये चला गया, अब उसको लगेगा कि वही हमारा घर है। अब हमारे जो लक्का कबूतर हैं इनको भी हम लोग निकाल देते हैं, चलो नए वाले घर में। तो इसको भी थोड़ा पंख खोलिए। तो इसको भी हम लोग रखते हैं लक्का कबूतर को ऊपर में। और एक और हमारा जो कबूतर है ये भी सोच रहा है कब हम भी निकले। रुको रुको रुक जाओ, ए रुक जाओ, ए दे दे दे, रुक। तो इसको हम लोग डाल, इसको डाल दीजिए यहाँ पे, इसमें नीचे वाले में रखिए नहीं तो मारने लगेगा लो। हाँ उसी में डाल दीजिए। पकड़िए उसको पकड़िए। अभी हमारा जो कड़कनाथ मुर्गा था ना उसको देखते ही हमला करने लगा, अभी वो डर रहा है। अभी उसको ना ये देखिए देखिए, रुकिए एक मिनट, इसको पहले पकड़ लेते हैं। चलो डर क्यों रहे, इसमें रहो। अभी वो डर गया। अरे तो अभी हम लोग बना के इसको रेडी कर दिए हैं और हमारा काला वाला कबूतर ना कितना चिल्लाया जा रहा है। क्या अभी तो सब ठीक है, अब हमारे कबूतर जितने भी है ना सब अब बिल्कुल बढ़िया से रहेंगे और अब अंडे देना चालू कर देंगे, क्योंकि इन लोग का घर हो गया है रेडी। और अभी हम लोग का और जो सफाई करना है वो अब कल करेंगे, क्योंकि अभी हो गया है रात। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे कल, जब तक के लिए बाय दोस्तों।